क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 5 इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मेथड HTML 1 इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जामिनेशन में आए हैं प्रॉपर। ये कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एट्रीब्यूट इन HTML? HTML में टैग्स होते हैं, वो टैग्स बताते हैं ब्राउजर को कि कैसे उस कॉन्टेंट को दिखाना है। अब कैसे दिखाना है, अब अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे लाल कलर में दिखाइए, इटैलिक में दिखाइए, बोल्ड में दिखाइए, या लेफ्ट में दिखाइए, राइट में दिखाइए, सारे एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। तो एट्रीब्यूट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो टैग के बारे में और जानकारी देती है। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड कलर वेब पेज का देना है तो आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे बॉडी टैग में। हाउ वुड यू प्रीव्यू चेंजेस मेड इन एन HTML कोड विदाउट क्लोजिंग द HTML डॉक्यूमेंट इन द टेक्स्ट एडिटर? आप कैसे प्रीव्यू करेंगे बगैर HTML डॉक्यूमेंट, जो अगर टेक्स्ट एडिटर जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस में कर रहे हैं, यहां पर आपको इसको क्लोज नहीं करना है, लेकिन आपको चेंजेस जरूर प्रीव्यू करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बस HTML पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। जो भी आपका ब्राउजर होगा वहां पर एक रिफ्रेश बटन होगी इस तरीके की, या रिफ्रेश लिखा होगा, रिफ्रेश करिएगा आपका HTML पेज बगैर टेक्स्ट एडिटर को बंद किए, अपना अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। नेम टू कॉमन ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स दैट मोस्ट ब्राउजर रिकॉग्नाइज। ऐसी कौन से ग्राफिक फॉर्मेट्स हैं, इसमें जैसे आपके जिफ है, जेपीजी है, पीएनजी है, तो टिफ है। अब इसमें क्या है कि कुछ जो है स्पेसिफिकली वेब के लिए ही बनाए गए, तो उनमें जो फेमस है वो जेपीजी है, जिफ है, और पीएनजी भी है साथ में। एक फोटोग्राफर नेटवर्क ग्रुप का है और ये जॉइंट फोटोग्राफर ग्रुप का है। ऐसी ये जो दोनों है ये स्पेसिफिकली, बल्कि ये भी, लेकिन हम क्योंकि दो पूछे गए थे दो बता रहे हैं, जेपीजी और जिफ जो है ये स्पेसिफिकली जो बनाए गए हैं उनका मेन पर्पस यही था, ये इंटरनेट के लिए बनाए गए, और जेपीजी तो इंटरनेट और सबके लिए चलता है, ये तो बहुत बढ़िया एक कंप्रेशन फैसिलिटी है। ये दो कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो आपके ब्राउजर रिकॉग्नाइज करते हैं। विच हेडिंग एलिमेंट गिव्स द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग? देखिए ध्यान रखिएगा, H1 सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी हेडिंग ये आएगी, उसके बाद नीचे जाते जाते H6 तक आते हैं आप, इससे नीचे कुछ नहीं। तो H1 हेडिंग जो है आपकी, ये सबसे प्रोमिनेंट आपको हेडिंग देती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टैग्स यूज्ड इन HTML। HR जो होता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है, यानी कि इसमें एक लाइन आएगी और वो 3D में दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर आप इसको 2D में करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप नो शेड लिख देंगे, आप इसका 50% 30% ऐसा साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। सब जो होता है, जैसे आपने यू लिखा H2O, अब ये सबस्क्रिप्ट है, 2 नीचे है, थोड़ा सा नीचे है एच के, तो ये सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट लिखना हो, जैसे आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, तो SUP में जाएंगे, बस बी की जगह पी कर दीजिएगा। UL मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको 1, 2, 3 में नहीं दिखाई देगा, ये बुलेट में दिखाई देगा, या फिर आपके जैसे जो भी टाइप आप देंगे आपको इस तरीके से स्क्वायर में दिखाई देगा। A मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस A? ये होता है एंकर टैग। एंकर टैग मतलब ये होता है कि ये जब आप हाइपर लिंक देते हैं तो एंकर बनाते हैं, इसके अंदर आप लिंक देंगे। कंटेनर और एम्प्टी टैग्स में अंतर बताइए। इसका अंतर यही होता है कि जो कंटेनर टैग होता है उसको स्टार्ट और एंड दोनों टैग चाहिए, एम्प्टी टैग को केवल स्टार्ट चाहिए, एंड की जरूरत नहीं है। तो कंटेनर टैग का मतलब होता है वो टैग जिसमें ओपनिंग टैग होगा, साथ में उसको क्लोजिंग टैग जरूरी चाहिए, लेकिन एम्प्टी टैग वो होता है जिसमें केवल स्टार्टिंग वाला टैग है, एंड का टैग है ही नहीं। इसमें मैं जरा आपको इसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। कंटेनर टैग मतलब अगर आपको बोल्ड करना है किसी चीज को, ऐसे देंगे, यहाँ कंटेंट लिखेंगे, ये बी के साथ यू करेंगे, जैसे HTML टैग है, आपका टाइटल टैग है, ये सारे के सारे कंटेनर टैग है। अगर एम्प्टी टैग की बात करें तो VR टैग नए लाइन में जाने के लिए एंटर बेसिकली एंटर का काम करता है। इसी तरीके से HR है जो हॉरिजॉन्टल रूल है, इसके एंड में कोई देने की जरूरत नहीं। राइट कोड टू इंसर्ट एन इमेज picture.gif ऑन अ वेब पेज एंड सेंटर अलाइन इट इन द ब्राउजर विंडो। तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉडी पे जाएंगे, बॉडी के अंदर हम सेंटर पे पहले सेंटर लिखेंगे क्योंकि हमको सेंटर अलाइन करना है, फिर हम img लिखेंगे सोर्स क्योंकि हमें इमेज डालनी है picture.gif, तो img देंगे, सोर्स देंगे picture.gif, इसको बंद करेंगे, img को बंद करेंगे, img शुरू करके img को बंद करेंगे, सेंटर पर रख देंगे, आपकी इमेज आ जाएगी। फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड सेगमेंट, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शंस मेड। ओके, तो आपको इसमें एरर बताना है, उसके बाद इस कोड को दोबारा लिखना है और बताना है आपको कि कहां कहां गलतियां थी। अब देखें, अंडरलाइन ये जो यूएल है स्टाइल में, इस तरीके से कोलन नहीं आएगा।
अगर आप लिस्ट लिखेंगे, अगर एक लिस्ट लिखनी है तो आपको लिस्ट को बंद ही करना पड़ेगा, राइट, इसलिए लिस्ट को बंद करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने शुरू किया लेकिन बंद आप ऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं, ये तो नहीं हो पाएगा। यूएल होगा तो यूएल ही बंद करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, ये नहीं आएगा यूएल, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो एक तो ये है कि लिस्ट जो टैग है उसको बंद नहीं किया गया, और जो क्लोजिंग टैग है वो आपका ओएल नहीं है। कंपेयर होम पेज एंड वेबसाइट। होम पेज और वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट की का एक होम पेज होता है। अब मान लीजिए आपने वेबसाइट कोई ओपन की, अब आपके सामने क्या आना चाहिए, वेबसाइट मान लीजिए 50 पेज है, इस 50 में से कौन सा पेज आएगा, एक ऐसा पेज होगा ना, एंकर पेज, एक मेन पेज, एक इंडेक्स पेज, एक बेसिक पेज जो आपके सामने आएगा, जिसके थ्रू आप नेविगेट करेंगे उस वेबसाइट में, है ना, स्पेलिंग दिया होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका मान लीजिए तीसरा पेज आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो 48th पेज आएगा। तो वेबसाइट कलेक्शन है पेज, वेब पेजेस का, जबकि होम पेज उस वेबसाइट का मेन पेज है। हाउ कैन वन इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इन वेब पेज, उसके लिए आप एचआर टैग यूज करिए हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। तो एचआर टैग से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब रूल मतलब लाइन ही होता है। हाउ आर कॉमेंट्स इंसर्टेड इन एन एचटीएमएल कोड, कॉमेंट कैसे इंसर्ट करेंगे एचटीएमएल कोड में, एग्जाम्पल दीजिए। कॉमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा कॉन्टेंट या ऐसी चीज जो आप इसके अंदर लिखेंगे जो आपके लिए होगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, या उस कोड की एनरिचमेंट के लिए होगी, लेकिन वो ब्राउजर के लिए नहीं होगी, ब्राउजर उसे छोड़ देगा, उसे इग्नोर कर देगा। तो उसको कैसे लिखते हैं एचटीएमएल में, इस तरीके से एंगल ब्रैकेट बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स देंगे और दो डैश लगाएंगे, यहां पर अपना कंटेंट लिख देंगे जो भी आपको एज अ कमेंट लिखना है, उसके बाद जब एंड करना चाहेंगे तो दो डैश लगा के एंगल ब्रैकेट से बंद करेंगे। यहां पर ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग टैग है, कोई भी कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे तो वो वेब ब्राउजर उसे नहीं दिखाएगा। राइट दी एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल कोड फाइल, एक्सटेंशन क्या है, .htm या .html। हाउ डू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द टाइटल बार ऑफ अ ब्राउजर, कैसे टेक्स्ट आप डिस्प्ले करेंगे टाइटल बार में, तो उसके लिए आप एचटीएमएल जैसे शुरू करेंगे उसके अंदर हेड में आएंगे, हेड के अंदर आपको टाइटल मिलता है, टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे आप, टाइटल शुरू करेंगे इस तरीके से, यहां पर कंटेंट जैसे मान लीजिए यही कंटेंट मान लीजिए, उसके बाद आप टाइटल से इसको एंड कर देंगे। हाउ कैन द फॉन्ट साइज ऑफ अ सिंगल लाइन ऑन अ वेब पेज चेंज, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे किसी केवल एक सिंगल लाइन का, तो बस उस सिंगल लाइन को आप फॉन्ट के अंदर लिख दीजिए, उस फॉन्ट को, ये जो फॉन्ट है ना उसी फॉन्ट एंड कर दीजिएगा और सिंगल लाइन को इसके बीच में लिख दीजिए, तो ये फॉन्ट टैग उसके लिए यूज होता है और आप हेडिंग लेवल्स बना सकते हैं इसमें। पी टैग और बी आर टैग, इसके बीच में अंतर बताइए। देखिए पी और बी आर टैग में कोई समानता नहीं है, वैसे इसमें डिफरेंस तभी बताया जाता है चीजों में जब इसमें कोई समानता हो या उसमें ये कोई एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे कम और केम में आप पूछेंगे तो हम बता सकते हैं अंतर क्या है, लेकिन पी और बी आर का पूरा मतलब ही अलग है। पी जो होता है पैराग्राफ के लिए होता है, कोई पैराग्राफ जैसे ये आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिख रहा है, एक पैराग्राफ के अंदर दिखाना है। बी आर मतलब ये है कि आपको इसके बाद जो चीज शुरू करनी है वो आपको नेक्स्ट लाइन में लानी है, वरना वो एचटीएमएल क्या करेगा यहीं से शुरू कर देगा। बी आर होता है नई लाइन के लिए, एंटर के लिए, जो आप एंटर बटन प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड में, उसी का समानांतर है बी आर। तो जो डिफरेंस है बी आर और पी टैग में, बी आर टैग जो है वो इंसर्ट करता है आपका लाइन ब्रेक वेब पेज में, जबकि पी क्या करता है ये बताता है कि देखिए साहब पी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको पैराग्राफ के दिखाइए, राइट। और पी टैग नॉट ओनली अलाउज यू टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ फॉर्मेट बट आल्सो एनेबल यू टू फॉर्मेट द पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी एक तो टेक्स्ट आपको दिखाई रहा है पैराग्राफ फॉर्मेट में और आपको फॉर्मेट भी कर देता है ये पैराग्राफ की तरह। दूसरा डिफरेंस इसमें अगर नहीं दिया है तो हम आप ये बोल सकते हैं कि पी जो है वो कंटेनर टैग है, जबकि बी आर एम्प्टी टैग है, बी आर का एंड बी आर का कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं होती, पी का आपको एंड इस तरीके से करना पड़ेगा। व्हाई डू यू इंसर्ट कमेंट्स इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इवन दो दे आर नॉट डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, हम क्यों डालते हैं कमेंट जबकि वो उसका काम ही नहीं होता है कुछ, वेब पेज वेब ब्राउजर तो उसे इग्नोर कर देगा। देखिए जब आप वो कोड एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे ना अपना खुद का, तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा क्योंकि कोडिंग इतनी आसान नहीं होती है। इसी तरीके से आप किसी और को देंगे कि देखिए साहब ये मैंने कोड लिखा है इसको आप और बढ़ा दीजिए आगे, वो कैसे समझेगा आपने क्या लिखा हुआ है क्या कंटेंट है। तो अगर आप कमेंट का यूज करेंगे तो कमेंट से एक तो पहले ही आप जैसे आप आपका कोड है उसके पहले आप कमेंट लिख देंगे ये मैंने बनाया है इसका कॉपीराइट है ऐसे ऐसे करके आप नीचे लिखेंगे और हर इसके पहले बता दीजिए यहाँ पर ये लुकिंग चल रही है यहाँ पर हम ये लिस्ट शो कर रहे हैं यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आपने एक तरीके से
शब्दों में बता दिया तो आपके लिए और सभी के लिए वो बहुत बेहतर हो गया। तो कमेंट का मतलब ये है कि जो डेवलपर है, प्रोग्रामर है, वो समझ सके कोड को, इसीलिए होता है, जबकि वेब ब्राउजर उसे नहीं दिखाता। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोर्स कोड ऑफ द करंट पेज व्यूड इन अ वेब ब्राउजर? जो भी एचटीएमएल का कोड होगा वो आपका सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड का वो एचटीएमएल कोड होता है उस पेज का जो आपको वेब ब्राउजर में दिख रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए हैं, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। इसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।